हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? ऑफकोर्स आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं रश्मि हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस भुजिया का लुक दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं ये भुजिया कितना अच्छा दिख रहा है। तो सोच सकते हैं ये खाने में कितना टेस्टी होगा और बनाने में भी काफ़ी इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। आप आराम से बना सकते हो मॉर्निंग में भी या दोपहर में, आप लंच के टाइम बना के खा सकते हो। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करना है, कढ़ाई चढ़ा देनी है और उसमें ऐड कर देना है सरसों का तेल। तेल आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जो तेल आप खाते हो या आपको जो खाना पसंद है उसे ऐड कर सकते हो। तो मैंने इसमें सरसों का तेल ऐड किया है और तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर दिया। फिर डाल दिया थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी बारीक कटी हुई लहसुन। तो लहसुन जो लिया था वो बड़े साइज़ का था, तो मैंने 2-3 कलियाँ लिया था। और एक लाल मिर्ची ऐड की है और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड की है। तो अगर आप स्पाइसी कम पसंद करते हो तो मिर्ची की क्वांटिटी लेस कर सकते हो। हम इन सबको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, फिर हम सिलबट्टे पे फोड़ी हुई मूंगफली डाल देंगे। आप चाहो तो मूंगफली का छिलका उतार के डाल सकते हो या बिना छिलका उतारे मेरी तरीके से डाल सकते हो। तो मूंगफली को थोड़ी देर भून लेंगे और फिर साइड में कर देंगे। फिर उसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक। तो अदरक अगर आपको पसंद है तो ऐड करिए, नहीं तो आप मत ऐड करिए। अदरक को भी हमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो भी हमारी अदरक देख सकते हैं अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। तेल गर्म होता है तो हर चीज़ अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी फ्राई हो जाती है। अब मैंने इसी में ऐड कर दिया है एक शिमला मिर्च, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। तो शिमला मिर्च को हमें पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे ही फ्राई कर लेना है, हल्का हल्का सा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक और काली मिर्च। तो नमक जाएगा स्वाद अनुसार और काली मिर्च भी जाएगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक और काली मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ धनिया और फिर इसमें ऐड करेंगे 2 उबली आलू, जिसे मैंने थोड़े बड़े पीसेस में कट कर लिए हैं। तो आलू बड़ी साइज़ की थी। और फिर ऐड करेंगे हम इसमें 1 पैकेट मैगी मसाला। तो फिर मैगी मसाला ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से पहले मिला लेंगे और फिर आलू को भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। साथ ही हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और हम चम्मच की मदद से आलू को छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे और प्रॉपर चलाते हुए आलू को फ्राई करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं आलू जब फ्राई होने लगेगी तो नीचे थोड़ा थोड़ा सा पकड़ने लगी कढ़ाई में, और उसे हमें छुड़ाना है चम्मच से प्रॉपर और फिर हमें आलू को चलाते रहना है। ऐसे ही हम कम से कम 3 या 4 मिनट तक आलू को इसी तरीके से फ्राई करेंगे। जब हमारी आलू में थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन जैसे आप देख रहे हो ना कि आने लगा है, वैसे ही हो जाएगा, तो समझ लीजिए आलू अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। फिर उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। हमारी जो शिमला मिर्च, मूंगफली और आलू की आलू फ्राई है मैगी मसाले के साथ, वो रेडी है। आप भी अपने घर पे ये रेसिपी बनाओ और ये रेसिपी आप अपने बच्चों को दोगे लंच बॉक्स में ना तो पूरा फिनिश हो जाएगा। या आप नाश्ते में बनाओ, सबको खिलाओ, और बनाने के बाद पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।